हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लैंड ऑफ वीडियोस में आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर अटोमिक स्ट्रक्चर और इसके साथ ही एक एग्जांपल भी करेंगे तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है बोहर अटोमिक स्ट्रक्चर का इसमें हमारे पास जो सेंटर का पार्ट है वो न्यूक्लियस है जिसके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रल होता है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता इसलिए हम न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव साइंस ही दिखाते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ठीक है तो फिर अब हम शुरू करते हैं हमारे पोस्टुलेट्स पे तो पोस्टुलेट्स में हमारा पहला पॉइंट आता है एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस विच कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स चार्ज मतलब कि जो हमारा एटम है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटोन्स चार्ज होते हैं जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रोटोन्स पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल मत जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता नेक्स्ट पॉइंट हमारा दी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड अपने अपने डिफरेंट ऑर्बिट्स में जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के दो कलर हैं रेड और येलो इनमें से एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दी न्यूक्लियस हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज विच अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स कि मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस उसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दी इलेक्ट्रॉन इज लिफ्टिड टू बी हाइयर ऑर्बिट इफ़ समिशनल इनर्जी इज गिवन टू इट मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अगर हम उसको अडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वह अपने ओरिजिनल ऑर्बिट से हाइयर ऑर्बिट पर जंप कर जाएगा उस पर लिफ्ट कर जाएगा दैन जो वो इलेक्ट्रॉन है जो वो जिस स्टेट पर पहुंच जाता है अपने हाइयर लेवल पे जब वो जंप करता है तो जिस स्टेट पर वो आता है उसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं

मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाता है तब वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट देन नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच परमिटेड ऑर्बिट हैव अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको बैलेंस करने के लिए तो अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकन तो इसमें हम देखते हैं कि सिलिकन का एटॉमिक नंबर पहले तो होता है फोटीन इट मींस इट हैज़ फोर्टीन प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस अलोंग विद फोटीन न्यूट्रॉन्स वाइल फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पांच नोन एज ऑर्बिट मतलब कि फ़ोटीन ही प्रोटोन्स होंगे न्यूक्लियस में और फोटीन से न्यूट्रॉन्स भी होंगे न्यूक्स न्यूक्लियस में लेकिन न्यूट्रॉन्स का कोई साइन नहीं होता वो न्यू न्यूट्रल होते हैं इसलिए फोटीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे अपने अपने ऑर्बिट में तो हम अगर देखें तो सिलिकन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी टू एट फोर मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे एट इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे और फोर इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे बस हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना ही है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व करेंगे अलॉन्ग दी न्यूक्लियस इसमें हम एक, एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं लेकिन सिर्फ सिलिकन के लिए कि दिस सिलिकन हैज़ फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वेलेंस शेल सो इट इज़ आल्सो नोन एज टेट्रावेल्ट कि मतलब सिलिकन के पास फोर इलेक्ट्रॉन्स है उसके वेलेंस शेल में इसलिए उसको हम टेटरा भी बोल सकते हैं आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद